हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो हमारे यहाँ पे ना बहुत तेज़ बारिश आने वाली है और आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने कुछ लगाए हैं नए पौधे, वो भी आपको दिखाएंगे क्या क्या मैंने नए पौधे लगाए। और बाहर का मौसम कुछ बहुत ही अच्छा है, एकदम बारिश वाला, लेकिन ये बारिश हमारे यहाँ पर ना बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि हमारे खेतों में ना मक्का ठाड़ी है तैयार बिल्कुल कटने के लिए, और ये बारिश ना बराबर होती जा रही है। आप लोगों को बारिश दिखाते। तो हम आ गए हैं बाहर अपनी छत पर पीछे, और देखिए मैंने कुछ नए पौधे लगाए हुए हैं। और ये बेल देखिए हमारी कितनी अच्छी हो गई है बारिश की वजह से, बहुत ही सुंदर लगने लगी है। तो इस वाले में ना थोड़ी मिट्टी कम पड़ गई थी गमले में, तो मैंने अभी थोड़ी मिट्टी डाली है। और ये पौधे पे ना बहुत अच्छे फूल आते हैं। और ये गमला ना मैं मार्केट से मंगाएंगे 3 गमले, तो ये तीनों में ना अलग अलग लगाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने एक ही में कर दिया, ये बहुत सुंदर इस पर फूल आते हैं। और मेरे पौधे ना बहुत ही सुंदर हो गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। और यहाँ पे देखिए मैंने अजवाइन भी लगा दी है, वो वाली अजवाइन थी तो वो वाली गलहरियों ने खा ली थी, तो इस वजह से मैंने दूसरी अजवाइन लगाई है। ये देखिए ये लगी भी गई है। और आज का मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बारिश आने वाली है। और हमारी छत पर ना कैथे का पेड़ है, तो उस पर देखिए छोटे छोटे कैथे लगे हुए हैं, देखिए बहुत सारे लगे हुए हैं लेकिन अभी छोटे छोटे हैं। तो कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था ना डाला था, क्योंकि कल हम गए थे नुवाइस देखने के लिए, तो इस वजह से बारिश भी हो रही थी, इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया ना मैंने डाला है। तो आज मैंने ब्लॉग बनाया है और मार्केट से मैंने नुवाइस से क्या क्या ख़रीदा है मैं वो आपको दिखाएंगे। तो कल मैंने नुवाइस से मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा है। और ये देखिए ये है कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास हैं ये, तो दुकान वाले ने ना मुझे 5 तो एक सेम जैसे दिए हैं, और एक वाला ये वाला गिलास ना बहुत छोटा दे दिया। तो मैं कल फिर जाऊंगी मार्केट, तो मैं ये वापस करके आऊंगी, यानी कि चेंज करके ला के दूसरा लेके आएंगे। और ये मग लेके आए हैं हम, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मग कैसे लगे हैं, 4 मग लेके आए हैं। और 2 लोहे के जूना लेके आए हैं, ये कढ़ाई वगैरह माँजने के लिए। और एक ये मैं वाइपर लेके आई हूँ, एक ये कपड़ा धोने वाला ब्रश लेके आई हूँ, जैसे कपड़े गंदे हो तो इसी से रगड़ के साफ़ करेंगे। और एक ये बाथरूम की टाइल वगैरह साफ़ करने के लिए लेके आई हूँ मैं, ये इस तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे। और ये एक ये डिब्बा लेके आई हूँ, इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, जैसे कहीं भी सफ़र में जा रहे हैं तो चूड़ी वगैरह इसमें रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो वो रख सकते हैं, लेकिन हम तो इसे चूड़ी के मतलब से लेके आए हैं। और एक ये नैन कटर लेके आए हैं, और भी भगवान जी के बर्तन लेके आए हैं छोटे छोटे स्टील के, यानी कि पानी पिलाने के लिए उन्हें और भोग लगाने के लिए बहुत सारे बर्तन भी लेके आए हैं, वो हम रखे आए हैं नीचे किचन में, जब दूसरा ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें हम ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ये हमारे बर्तन सामान जो हम लेके आए हैं नुवाइस से कैसे लगे आप लोगों को।